फिलहाल है। और आजकल ये आप भूल जाए, इसको आप कहते थे कि जी ये जेंटलमैन्स गेम है, ये शर्फा का खेल नहीं रह चुका, ये बनियों के हाथ में खेल आ चुका है। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो वहां पे उसकी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। चल क्लिप देखते हैं। पाकिस्तान की कंडीशन अभी वो है कि दूल्हे के सारे रस्म व रिवाज हुए हैं, फेरे गिर गए और दूल्हा दुल्हन के पास स्वागत मनाने जाना, और जाके देखता दुल्हन तो भाग गई। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में आई है, वहाँ रही है, वहाँ प्रैक्टिस की है, उनको इंटेलिजेंस में पता चला कि भाई यहाँ पे खेलना हमारी टीम के लिए सुरक्षित नहीं है, वो अपने देश ले गई है। लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरेंगे इन पाकिस्तानियों को। इसके अंदर भी मोदी की, रो की, डोवाल की और भारत की साजिश दिखती है। उनको लगता है कि भारत का BCCI का किया हुआ किया धरा है, सब मोदी ने करवाया है, BCCI को बोल के करवाया है, क्योंकि ICCI BCCI की जेब में है। जिस बुड्ढे को अभी आपने सुना ना, ये पाकिस्तान का PCB का पूर्व चेयरमैन रह चुका है, जबकि इतनी ऊंची पोस्ट पर रहने वाला इस तरीके की बेतुकी बात करता तो सालों तुम्हारे पास में खेलेगा कौन? ये भी ठीक है। और शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक कह दिया कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार के गया, वो सीधा सा एक रीजन है, क्योंकि 150 से 200 करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ पाकिस्तान को होने वाला है। घर में नहीं दाने चले, अम्मा चली भुनाने, इनके पास बड़ी मुश्किल से तो पैसे कमाने का जरिया आता है, और वो भी ऐसे चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर टोटल नुकसान पाकिस्तान का हुआ। सर पीट के रो रहे सारे पाकिस्तानी, और होना भी यही चाहिए। अब इसमें दोष इंडिया को देते हैं, न्यूजीलैंड को देते हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सांप पालोगे और दो तालिबानों को तुम सपोर्ट खुला समर्थन दो, आतंकवादियों को तुम सपोर्ट करते हो, आतंकवादी तुम ट्रेन करते हो, भारत में भेजते हो, और फिर ये चाहते हो कि पूरी दुनिया में तुम्हें इज्जत करे, सलाम करे भारत की जैसे, क्यों करेगी भाई? इस कन्वर्टेड बुड्ढे की अभी बातें खत्म नहीं हुई, अभी तो सुनिएगा, अभी तो हिंदुओं को भी गाली देगा ये न्यूजीलैंड के जाने के पीछे। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, जबकि जिसके अंदर, और हम इंडियंस क्या कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है? हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम लोग तो बस इंजॉय कर रहे हैं और करेंगे हम इंजॉय, समझ रहे हो? तो दोस्तों वीडियो देखिए, भाई मिलता आपको आखिरी में। दो तरफा ताल्लुकात को सामने रखते हुए कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ, हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ वो शेयर करते कि हमने ये इतला पहुंची है जी, आप बताइए, फिर हम उसका कोई रद्द अमल देते, अगर हम समझते बात गलत है तो हम उनको कायल करते, अगर कुछ उसका इम्कान होता उस बात का तो हम उसके लिए मुनासिब इंतजाम करते। ऐसी कोई चीज नहीं है, उन्होंने एक तरफा ही को इतला को बुनियाद बना के ये सब खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत ही एक मंसूबा है जिसके साथ सारा कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान को इसका मुकाबला करना है, और मुकाबला करने के लिए नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, न्यूजीलैंड का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी और क्रिकेट बोर्ड का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी और मुल्क का नहीं हुआ। और ये देखेंगे कि आप यके बात गिरे, ये तमाम ये सफेद फॉर्म जो क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं वो एक एक करके ऐलान करते जाएंगे। इंग्लिस्तान का ऐलान आ गया है, हम अगले 24 से 48 घंटे में फैसला करेंगे कि हमारी टीम आएगी कि नहीं आएगी, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बोलेगा। ये बात बड़ी सीधी सी है कि इन लोगों को पहले भी आने में तरद्दुद था, अब इनको ये सामने बहाना मिल गया है, और हमें बताया तक नहीं गया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए हमें भाग दौड़ भी हमने करनी है, मेहनत में भी हमने करनी है। सर ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करे ICC में जाए, ICC क्या कर सकती है, उसकी क्या हैसियत है? ये मामला हमें सफारती सतह पर भी उठाना है, सियासी सतह पर उठाना है, हुकूमती सतह पे उठाना है। भाई हमारे सफीर को अब तक भाग दौड़ करके असल वाकयात, असल जो भी मामला उसके पास पहुंचा है, उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए हमारे पास, ताकि हम उसकी रोशनी में अपना अगला कदम उठा सकें। अच्छा खालिद साहब, इम्पोर्टेंट बात कह दी ना आपने, अब हम आपसे सवाल अगर ये करें कि हम वैसे भी देख रहे हैं कि इंडिया की हर जगह लॉबिंग है, फिर ICC के आपने अभी कह दिया खुद ही कि ICC क्या कर सकता है, लेकिन आप जरा ये फरमाइएगा कि ये जो लॉबिंग इंडियन कर रहे हैं, चाहे वो ICC के अंदर कर रहे हों या दीगर और महाजों पर कर रहे हों, हमारे सफारती मामलात में भी हम देखते हैं, फॉरन ऑफिस की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, फिर आप कहिएगा कि इस लॉबिंग को रोकने के लिए अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा की, तो बड़े अच्छे और बड़ा पॉजिटिव जेस्चर रखने वाली वज़ीर आज़म रही हैं मौजूदा, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई कोई सीरियस थ्रेट्स थे? क्योंकि शेख रशीद साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एजेंसीज के पास किसी किस्म की कोई, हमारी एजेंसीज के पास ऐसा कोई लेटर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने सारी क्लियरेंस दी हैं, सब चीज़ें पहुँचाई हैं, और फिर लास्ट मोमेंट पर यह करना, उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने दस्ताने पहने हुए रखे हैं और वो साजिश कर रहे हैं। खालिद साहब देखिए जी, बैन अल-अक़वामी सतह पर ICC जो है
इंडिया की जेब में है। वजह उसकी ये है कि उनका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है बड़ा स्ट्रांग है, वो क्रिकेट को सपोर्ट करता है, पैसे ला रहा है। और आजकल ये आप भूल जाए, इसको आप कहते थे कि जी ये जेंटलमैन गेम है, ये शर्फा का खेल नहीं रह चुका, ये बनियों के हाथ में खेल आ चुका है। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो वहां पे उसकी हैसियत है। और वो तीन मुल्क हैं, बिग थ्री का फार्मूला ऐसे नहीं आया था, ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, इंडिया उनके साथ था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप न्यूजीलैंड के इस इकदाम को गलत साबित करें। और ये गलत साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी जो रिपोर्ट है, जो उनको इतला मिली है, उसको उसके बारे में मालूम हासिल करें और उस इतला को आप गलत साबित करें कि ये बिल्कुल आपको गलत इतला मिली है। पहले ही जो उनका इंग्लैंड का जो यूके का हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, वो कह चुका है कि हमने कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी शेयर नहीं की। उनके पास कहाँ से इतला आ गई है? आप उनको गलत साबित करेंगे, फिर उसकी बुनियाद पे आप चाहे आईसीसी के पास जाए, चाहे दूसरे मुल्कों में जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको तो गलत साबित करें। ओके खालिद साहब, लेकिन अब जा रहे अभी हम देख रहे हैं रमीज राजा साहब को, अभी बस अभी उन्होंने चार्ज ही संभाला है गुज़श्ता हफ्ते ही, और ज़ाहिर उसके बाद उन्होंने प्रेसर भी की है अपने इस सारे वाक्य के बाद शदीद रद्द अमल का भी इजहार किया है। लेकिन इस सच अ ग्रेट बाउंसर, कहते हैं ना कि आप आके विकेट पे खड़े नहीं हुए और बॉलर ने आपको बहुत बाउंसर करा दिया, तो क्लीन बोल्ड होने वाली सिचुएशन रमीज राजा साहब की दिखाई नहीं देती, लेकिन आप क्या समझते हैं कैसे हैंडल करेंगे इस सारे सिचुएशन को? वो देखिए बहुत ही मुश्किल है, इससे कोई शको शुबे की बात नहीं है। इससे ज्यादा मुश्किल चीज क्या हो सकती है? मुझे उनके साथ हमदर्दी है, उनको ज्यादा बेहतर वेलकम मिलना चाहिए था। ये तो हम सबके लिए बड़ी तशवीशनाक खबर है। आप यकीन जाने जो भी पाकिस्तान में क्रिकेट से दिलचस्पी रोक सकते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो सारे इस वक्त बहुत परेशान है लोग सारे के सारे। तो करने का काम वही है, मैं बार बार बात करा चुका हूँ। मुझे अभी किसी मीडिया से टेलीफोन आया था कि जी रमीज राजा सब कह रहे हैं कि मैं आईसीसी में मामला उठाऊंगा। भाई मुझे इस तरह की आती है, आईसीसी में कौन आपकी बात सुनेगा? आप वहां पर उनकी मुकम्मल डोमिनेशन है, इंडिया की है, इंग्लैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है। वो जो फैसला अपने तौर पर बैठ के करेंगे वो कर लेंगे। हमें न्यूजीलैंड में मेहनत करनी है, वहां पे निकालना है कि क्या उनके पास इतला थी, उस इतला को हमने गलत साबित करना है। वहां से हमारा और वहां पे एक अच्छी वजीर आजम है, मुतबर किस्म की, और वो कोई हमारे खिलाफ मुखालफाना जज्बा भी नहीं रखती है अभी तक, तो कम अज कम ऐसे कोई चीज सामने नहीं आई। मैं तो सच कह रहा हूँ, ये बुड्ढे की बातें सुन के ना मेरे को इतना आनंद आया, इतना मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई, इतनी खुशी मुझे। और अभी तो देखना, अभी न्यूजीलैंड गई है, अब न्यूजीलैंड वाला ही रीजन ऑस्ट्रेलिया भी देगा, और वेस्ट इंडीज आने वाली है, तो वो भी शायद ना दे। वेस्ट इंडीज वाले तो पहले भी खेल के गए हैं यहाँ पे, तो शायद पाकिस्तानियों को ये डर है अगर ऑस्ट्रेलिया भी ने भी मना कर दिया तो फिर इनके जो पाकिस्तान में होने वाली क्रिकेट है उसका होगा क्या? और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इनके वर्ल्ड कप के ऊपर, क्योंकि इनकी टीम का मनोबल टूटेगा, टूटना भी चाहिए। आपको पता है बकरी आजम ने आज के दिन क्या बोला है? न्यूजीलैंड में जाने से फ्रस्ट्रेट होके उसने क्या कहा है कि 24 अक्टूबर को जो भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसका ज़्यादा प्रेशर विराट कोहली और इंडिया टीम के ऊपर है, हमारे पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम पे काएगा प्रेशर, तुमने तो हार नहीं है, जीतने वाले को थोड़ा प्रेशर लेना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, क्यों बकरी आजम जी? सही बात है ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके जाइए, क्योंकि आपका एक कमेंट होता पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा, वो जरूर मार देना। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।